विद्यार्थियों, भक्तिन नामक पाठ जिसके रचयिता छायावाद के आधार स्तंभ में से एक महादेव वर्मा जी हैं, लक्ष्मी का विवाहित जीवन आपने पाठ्यपुस्तक पढ़ा होगा। लक्ष्मी का विवाहित जीवन किस प्रकार है, इसमें यह बताया गया है कि ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला था। अर्थात इस प्रकार, जिस प्रकार उन्होंने बचपन में जो दुख झेला था, अर्थात एक तो बचपन से उनकी माँ गुजर गई थी, सौतेली माँ ने, सौतेली माँ थी, पिता थे, लेकिन सौतेली माँ ने अक्सर उनको दुखी दिया करते थे और वो भी संपत्ति के लालच में कि कहीं संपत्ति उसके पिताजी उस लक्ष्मी के नाम ना कर दे, अर्थात उस भक्तिन के नाम ना कर दे। तो ससुराल में भी लक्ष्मी के विवाहित जीवन पर आते हैं कि ससुराल में भी जब भक्तिन को अब तक की भांति दुख मिला और सास के तीन कमाने वाले बेटे थे, लक्ष्मी जिस घर में शादी होकर गई, विवाह के पश्चात शादी होकर गई, सास के तीन कमाने वाले बेटे थे, लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी थी और सबसे छोटे बेटे के पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी। लक्ष्मी की भी तीन बेटियां हो गई थी और जेठानियां अर्थात उनकी जेठानी जो है अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती से उस घर में रहती थी। उनकी जेठानियां जो हैं उनके बच्चे बड़े मौज मस्ती के साथ रहते थे। और इनके जेठानी के बच्चे लोगों को जो सुविधाएं मिलती थी वो लक्ष्मी के बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। लक्ष्मी की तीन बेटियां थी। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटी के विवाह कम उम्र में ही कर दिया। जायदाद के उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। उसने अपने बड़े दामाद को और घर जमाई बना लिया, लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो, उसके दुर्भाग्य ने उसको कभी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया और वह फिर दुखों से घिर गई। बड़े जेठ का लड़का भक्तिन की संपत्ति उसके पाने के उद्देश्य से अपने साले से उसकी बड़ी बेटी की विवाह करवाना चाहता था। अर्थात उसकी बड़ी बेटी जब विधवा हो गई तो अपने उसके भक्तिन के जेठ के लड़के अर्थात लक्ष्मी का भाई, वो अपने साले से उस लक्ष्मी का विवाह कराना चाहता था, लेकिन उसकी मनसा को भांपते हुए लड़की ने अर्थात लक्ष्मी ने विवाह करने से मना कर दिया और जेठ के लड़के का साला जो है लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में जबरदस्ती घुर उनके घर में घुस गया तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीट दिया। उस युवक ने सभी से झूठ बोला, पूरे समाज के सामने झूठ बोला कि लड़की ने मुझे बुलाया था, मैंने पहले उसने मुझे आमंत्रित किया था, ऐसा करके समाज के सामने झूठ बोला। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। उन्होंने दुखी होकर भी पंचायत के निर्णय मानना पड़ा, सामाजिक मजबूरी थी, किंतु अब घर में गरीबी आने लगी, घर में गरीबी आ गई, क्योंकि जो वो जो अपने पैतृक
जो सुख समृद्धि थी वो अब नहीं रही और गरीबी आ गए, घर में झगड़ा होने लगा, झगड़ा होने तथा लगान समय पर ना चुका पाने कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर में धूप में खड़े रहने पे मजबूर कर दिया, ऐसा दंड मिला उनको और इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह न सकी और कमाने के उद्देश्य से उस परिवार गांव को छोड़कर शहर में चली आई और शहर में आने के बाद अब उनकी जो मुलाकात है वो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, जानी मानी लेखिका महादेवी वर्मा से उनका परिचय होता है। विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा के साथ किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन बिताया, किस प्रकार महादेवी वर्मा की वो सेवा करती हैं, इसका हम लोग अब अगले भाग में हम देखेंगे। विद्यार्थियों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वर्तमान में फैले कोरोना महामारी से बचने का एक सबसे बड़ा उपाय है प्लीज़ स्टे एट होम।